आइए जानते हैं एक मिलिट्री सीक्रेट, पहाड़ों पर छुपकर गोलियां बरसाते हुए दुश्मन को कैसे ढूंढकर खत्म किया जाता है, और इस तकनीक का इस्तेमाल करगिल युद्ध में भी किया गया था। यहाँ पर एक चीज क्लियर करनी बहुत जरूरी है, मैं कोई मिलिट्री टेक्नोलॉजी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, ये जानकारी पहले से ही पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। मिलिट्री की फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन पोस्ट दुश्मन की मशीन गन को लोकेट करके उसकी जानकारी नीचे आर्टिलरी टीम को देती है, जो उस जानकारी के आधार पर तोप से निशाना लगाती है। लेकिन अगर मिलिट्री दुश्मन के इलाके में हो और कोई भी फॉरवर्ड पोस्ट ना हो, तो ऐसी स्थिति में साउंड लगाए जाते हैं, और इस समय जो आप देख रहे हैं ये वही साउंड डिटेक्टर है। इनके द्वारा वाइब्रेशन को डिटेक्ट करके कंप्यूटर की मदद से एम्पलीफाई करने के बाद दुश्मन की लोकेशन का पता लगाया जाता है। पर मान लेते हैं स्थिति बहुत खराब है और दुश्मन की तरफ से की जा रही जबरदस्त फायरिंग की वजह से साउंड डिटेक्टर लगाना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मिलिट्री के द्वारा फ्लैश डिटेक्टर की मदद से दुश्मन की लोकेशन का पता लगाया जाता है, और उसके बाद एक कोडेड मैसेज को गनर को भेज दिया जाता है, जिसके आधार पर फिर की जाती है तोप से फायरिंग। ये बताएं, करगिल युद्ध किस साल में लड़ा गया था?